विधानसभा चुनाव में भारी जीत के बाद एक बार फिर झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। इंडिया गठबंधन के नेताओं के उपस्थिति के बीच मोरहाबादी मैदान में हेमंत सोरेन चौथी बार शपथ ग्रहण करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ तैयारियाँ जो की गई हैं। इस ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में शाम 4 बजे राज्यपाल कुमार पद और गोपनीयता की शपथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देने वाले हैं। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की गई हैं। पूरी तरह से जो ये परिसर है वो सुसज्जित हो चुका है। कई दिनों से जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए और राजभवन से शपथ ग्रहण के लिए हरी झंडी मिली तो उसके बाद तैयारियां की जाती रही और आज वो वक्त आने वाला है। शाम 4 बजे इस ऐतिहासिक मैदान से हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कमान संभालेंगे। ये चौथा मौका होगा जब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बनेंगे और इस मौके पर इंडिया गठबंधन के कई जो बड़े चेहरे हैं पूरे देश भर से वो उपस्थित होने वाले हैं। जो समर्थक हैं राज्य के विभिन्न हिस्सों से वो पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ समर्थकों की भीड़ है। उनसे को हम जानना चाहेंगे, आप बताइए कितनी खुशी हो रही है आप लोगों को? बहुत खुशी हो रही है सर। कहाँ से आप आए? हम लोग आए हैं काशी बनाथपुर विधानसभा से, रमना प्रखंड। हाँ, क्या ये उम्मीद थी जो इस तरह का मिलेगा भारी बहुमत? जी सर, हम लोग का तो उम्मीद था। उम्मीद था। हाँ, आप बताइए आप कहाँ से? जी सर, रमने से आए हैं। रमने से आए हैं और बहुत खुशी ज़्यादा है, इसलिए जे हम लोग का पूरा पूरी उम्मीद था ये मैया समान योजना जो चलाया गया उसमें हम लोग का सहयोग हुआ, बिजली बिल माफ़ हुआ, बिजली फ्री हुआ, इसमें हम लोग का पूरा पूरी उम्मीद था जे सरकार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन के बनेगा और बहुत खुशी है। बहुत खुशी है। आप बताइए जो कहाँ से आप आए हैं और कितनी खुशी हो रही है? तो रमना प्रखंड टंडवा पंचायत से आए हैं। बहुत खुशी हम लोग को हुआ कि जो कि बिजली बिल माफ़ कर दिए 200 यूनिट और बाकी ये जो केसीसी लोन था वो माफ़ किए। इसी सब खुशी में हम लोग बहुत रमना प्रखंड से गढ़वा जिला से आए हैं। राज्य की बागडोर एक बार फिर हेमंत सोरेन ले रहे हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रहा है, ऐसा सरकार गरीबों का सरकार हम लोग के हैं। हाँ, बहुत इसमें बहुत खुशी की बात है। बहुत दूर से हम लोग चल के आए हैं, बने गरीब के सरकार हैं और ऐसा ही सरकार हम लोग के चाहिए क्योंकि एक गरीबों के हेल्प करते हैं। बहुत बढ़िया सरकार है, अगला बार फिर बनेंगे। हाँ बिल्कुल, ये उत्साह है और जो उम्मीदें थी जो जनता ने विश्वास जताया उसके बल पे एक बार फिर हेमंत सोरेन को ये मौका मिला है राज्य की बागडोर संभालने का। और कहीं ना कहीं चुनौतियां भी हैं, जो घोषणाएं हुई हैं उसको ज़मीन पर उतारने की और जो राज्य में जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियों को दूर करने के लिए यह सरकार प्रयास करे, इसी उम्मीद के साथ यहाँ की जनता यहाँ पहुँची हुई है। और कहीं ना कहीं जो तैयारियां जो की गई है शपथ ग्रहण समारोह स्थल का, आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से अलग अलग ये आगंतुकों के बैठने की व्यवस्था की गई है और ये पूरी तरह से जो मोरहाबादी मैदान है उस मैदान में अलग अलग गैलरी बनाई गई है। बड़े नेताओं के कटआउट लगाए गए हैं, खास करके जो इंडिया गठबंधन के जो बड़े नेता हैं उनके कटआउट लगे हुए हैं और पूरी राजधानी रांची में कुछ इसी तरह से बड़े नेताओं के कटआउट आपको देखने को मिलेंगे। कटआउट है और जो बड़े बैनर पोस्टर लगाए गए हैं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के, तो इस तरह से पूरी तैयारियां की गई हैं। कैमरा पर्सन परमानंद के साथ भुवन किशोर झा, ईटीवी भारत, रांची।